दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर में ब्लूस्टैक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाएंगे। अगर आप विंडोज 7, विंडोज 10 या 11 कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपने ब्राउज़र में चले जाएँगे। ब्राउज़र में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल का जो पेज है, मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। तो गूगल सर्च में ब्लूस्टैक्स लिख करके सर्च करेंगे। ब्लूस्टैक्स एक ऐसा ऐप प्लेयर है जो कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को आपके कंप्यूटर में या फिर मैक पीसी में प्ले करने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए स्पेशली ब्लूस्टैक्स का यूज़ करते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को कंप्यूटर में रन करने के लिए। तो यहाँ पर जब ब्लूस्टैक्स लिख करके सर्च करेंगे तो ब्लूस्टैक्स की जो साइट है www.bluestacks.com वाली साइट पर क्लिक करके ओके करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा इसकी साइट पे। और यहाँ पर डाउनलोड ब्लूस्टैक्स 10 और 5 का ऑप्शन दिख जाएगा। तो जो ब्लूस्टैक्स 5 वाला ऑप्शन है, जो बटन है, उस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे जो इसका इंस्टॉलर है ब्लूस्टैक्स का, वो डाउनलोड हो जाएगा। बड़ा ही छोटा सा होता है, 10 सेकंड मुझे लगता है लगेगा डाउनलोड होने में। डाउनलोड होने के बाद सिंपली इस इंस्टॉलर पे जब हम डबल क्लिक करेंगे, जहां पर आप की डाउनलोड फाइल्स कंप्यूटर में सेव होती है, पहले उस फोल्डर में चले जाएंगे, फिर आपको ये इंस्टॉलर देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे या फिर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे तो ये जो इंस्टॉलर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अब आपके कंप्यूटर को ज़्यादा टाइम देना होगा। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड नॉर्मल है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर स्पीड फास्ट है और आपके इंटरनेट की भी स्पीड फास्ट है तो इसे डाउनलोड होकर इंस्टॉल होने में 10 से 15 मिनट के करीब लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक करके, तो यहाँ पर अब ये डाउनलोड होने लग जाएगा। जब तक ये डाउनलोड होगा थोड़ा हमें वेट करना होगा। मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि ये जल्दी से डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाए। तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें हमारे डेस्कटॉप पे ब्लूस्टैक्स 5 नाम से एक आइकन शो होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो ब्लूस्टैक्स 5 नाम से आइकन शो होगा उस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो जब फर्स्ट टाइम हम इसे ओपन करेंगे तो ये ओपन करने के टाइम में कुछ परमिशंस के लिए पूछेगा, तो उन परमिशंस को हम अलाउ कर देंगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ फाइल्स हैं और सारी चीज़ें वो लोड हो के ये ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके बाद नॉर्मली जल्दी से ओपन होता है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, अब ये ओपन हो रहा है। कुछ फाइल्स वगैरह हैं वो सब सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद में ये ओपन होकर के हमें कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर हमें प्ले स्टोर का आइकन शो होगा। तो यहाँ पर जो प्ले स्टोर की आईडी से हम मोबाइल में यूज़ कर रहे होते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, जीमेल आईडी, वो सेम प्ले स्टोर आईडी भी यहाँ पर हम प्ले स्टोर पर डबल क्लिक करके या फिर इस ऑप्शन को ओपन करके वहाँ पर उस आईडी से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद जैसे प्ले स्टोर में सारे एप्लीकेशन हमें शो होते हैं, उसी तरह से यहाँ भी हमें शो होंगे। तो सर्च में फिर जो भी आपको एप्लीकेशन चाहिए, चाहे वो पबजी मोबाइल हो, फ्री फायर हो या कोई भी एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने पीसी में या कंप्यूटर में बड़ी आसानी से रन कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता हो गया होगा कि मोबाइल्स के एप्लीकेशंस कंप्यूटर में किस तरह से आप इजीली रन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।